आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी ट्रू कॉलर आईडी का नेम चेंज कर सकते हो। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्रू कॉलर आईडी का नेम चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको ऊपर 3 लाइन्स मिल रही होंगी, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल दिखेगी। प्रोफाइल के सामने आपको एक पेन वाला आइकन मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आपको इस पेन वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, इस तरह से आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर क्लिक करके अपना नेम चेंज कर लेना है, जो नाम आप लोग रखना चाहते हैं। और दोस्तों, आप लोग यहाँ से अपना फ़ोटो सेट कर सकते हैं। क्लिक करके आपको टेक का फ़ोटो या फिर सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है। अगर आप लोग गैलरी पर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में जो फ़ोटो सेव होंगे आप वहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने गैलरी से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया। अब आप लोग देख सकते हो मेरे यहाँ पर फोटो लग चुका है। और दोस्तों, आपका यहाँ से नेम चेंज हो जाएगा और यहाँ से आपकी गूगल आईडी से कनेक्ट होगा और यहाँ से फेसबुक आईडी से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर एंटर करेंगे अपना मोबाइल नंबर, और आपने जो मोबाइल नंबर डाला होगा आपका, उस नंबर पर कोई कॉल करेगा तो उसका नाम आपको दिखाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर कोई दूसरा नंबर डाल देते हैं तो आपका उस वाले पर वही वाला नाम दिखाने लगेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हो। और दोस्तों, आप लोग यहाँ पर दूसरा फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से अपना जेंडर, और यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर जिप कोड यानी कि जो आपके गांव का या फिर शहर का पिन कोड होता है वो आ जाएगा, यहाँ पर शहर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको कंट्री फिलो करना होता है, और यहाँ पर नीचे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करके सेव कर देना होता है, जिससे आपका नेम चेंज होकर यहाँ पर सेव हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग अपनी ट्रू कॉलर आईडी में नेम को चेंज कर सकते हो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।